सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। ये जो मैंने एक कल जोक डाला था, तो इसको मैं दो भावनाएं दे चुका हूँ। इसका दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है आपको कि भावना कैसे देनी है। तो भावना ऐसे देनी है, जब एक बार डाला हुआ रस सूख जाए तो दूसरी बार रस डालना है। तो इसको मैंने धतूरे के पत्तों के रस में तीन भावना दी है, और अब इसको भांग के पत्तों के रस की ये तीसरी भावना है। तो ये जब पूरे तरीके से सूख जाएगी, फिर इसको तीन भावनाएं सेमल की और सेमल के काढ़े की, तीन भावनाएं इसको मुलट्ठी के कवाथ की, फिर अंत में जो है तीन भावनाएं पान के पत्तों के रस की। तो इसके परिणाम जो है बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार बनेंगे। ये मेरे पास पड़ा है कुछ बचा हुआ रस, ये जो रस जो पड़ा है, ये रस भांग के पत्तों का रस है जो मैंने निकाला था काफ़ी मात्रा में। तो तीन भावनाएं देने के बाद ये थोड़ा बच गया है। तो इसमें जो है इसको भावना देने का तरीका यही है कि एक रस जब आपका सूख जाए तो दूसरे रस की भावना देनी होती है। लेकिन जो शास्त्रोक्त विधि है इसकी एक एक भावना बताई गई है इसको ग्रंथ में, लेकिन हम अपनी दवाई को अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, चुटकियों में रिजल्ट लेने के लिए इसको तीन तीन भावनाएं देते हैं। तीन भावनाएं धतूरा के पत्तों के रस की, तीन भावनाएं भांग के पत्तों के रस की, तीन भावनाएं सेमल के कवाथ की, तीन भावनाएं मुलट्ठी के कवाथ की, और अंत में तीन भावनाएं पान के पत्तों के रस की। तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है, जिसका कि कल मैंने वीडियो डाला था। तो इसके जो है रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप कोई भी औषधि बनाते हैं तो उसमें भावना का बहुत गहरा प्रभाव रहता है। जितनी अच्छी हमारी औषधि को भावना दी होगी, उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, मेहनत जरूर लग जाती है। तो ये जो योग मैं बना रहा हूँ, इस पे लगभग 10 से 12 दिन लग जाते हैं, और फिर इसका रिजल्ट जो है बहुत शानदार रिजल्ट आता है। मैंने एक 60-65 वर्षीय शुगर के रोगी को ये योग दिया। 1 महीने के लिए मैंने ये योग और सुरेंद्र चूर्ण का योग उसको इस्तेमाल करवाया। तो उस आदमी का जो मेरे पास रिव्यू आया, तो वो बोला कि मुझे इसका बहुत अच्छा परिणाम मिला, जो बिल्कुल भी उत्तेजना नहीं थी, उसका गुप्तांग बिल्कुल सिकुड़ता जा रहा था शुगर की वजह से, उसे पेशाब करते समय भी तकलीफ होती थी, क्योंकि जूरिन जब पास करता था तो उसके कपड़ों पे जूरिन लग जाता था, क्योंकि लिंग में जो खून का संचार होता है वो शुगर की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो वहाँ पे इस योग ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया मेरे को, और फिर मैं इसको बड़े शौक से बनाता हूँ। ये मेरे क्लिनिक का एक प्रमुख योग है। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, और इसका जो टेबलेट है वो दो दो रत्ती की टेबलेट बनानी होती है। इसके मैंने गटका आपको कल भी बताए थे, रस संदूर, अबरक भस्म, बंग भस्म, लौ भस्म और नाग भस्म, ये इसके गटक द्रव्य हैं। बराबर बराबर मात्रा में डाल के इसको धतूरा पत्र के सबरस, भांग पत्र के सबरस और मलेठी कवाथ, सिमल
की छाल का कबाह था और पान के पत्तों का रस, ये चीज़ों की भावना देनी होती है। ऐसे मैं तीन तीन भावनाएं देके तैयार करता हूँ तो ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। और दूसरा, मैं मेरा एक बताने का ये भी मकसद था कि जब किसी चीज़ का हम कवाथ बनाते हैं तो उस पर आग बहुत मंद मंद रखनी चाहिए। अगर हम उसको ज़्यादा आग दे देंगे तो उसके औषधि के गुण हैं जो वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके गुण जो हैं वो बाष्पीकरण होकर उड़ जाते हैं। तो उसके संबंध में मैंने मलेट्ठी का काढ़ा रखा हुआ है गैस पे, तो उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कितनी आग पे उसको बनाना है। जितनी आपके पास मलेट्ठी है उसे आपने 8 गुना पानी ले लेना है और उसको हल्का हल्का कूट के जो है 8-7 घंटे पानी में भिगो के रखें और फिर उसका जो है कवाथ बना दें। कवाथ की विधि से, जो कि रसतंत्र सार में भी लिखी हुई है कवाथ की विधि, और इसमें आग जो है वो मात्र थोड़ी देनी होती है। ये आग है, देखिए बिल्कुल स्लो करके, तो ज़्यादा आग देंगे तो ये इसका बाष्पीकरण होके ये उड़ जाएगा कवाथ आपका, इसके गुण नहीं रहेंगे। तो इसको उबालना नहीं होता, बस इसकी मंद मंद आग करके इसको जो है इसका कवाथ बनाना होता है। तो ये मलेट्ठी का कवाथ बना रहा हूँ इसको इसी जोग को भावना देने के लिए। दूसरा सेमल का कवाथ बनाना है, उसके बाद अंत में पान के पत्तों का रस निकाल के उसमें 3 भावनाएं देनी है। तो ये बहुत अच्छा जोग बन जाता है। इसके साथ जैसे भी सिम्टम होते हैं उस सिम्टम के हिसाब से दवाइयां, दूसरी औषधियां दी जाती हैं। तो भावना देने का तरीका बस यही है कि इसको रस को सुखा लें आप, जब रस सूख जाए तो दोबारा से रस या काढ़ा कुछ भी आपने भावना देनी है तो दोबारा से डाल दें। तो इस तरीके से जितनी भावनाएं देनी हो उतनी बार उसको सुखा के उसकी भावना दी जाती है। भावना देने वाले द्रव्यों का जो गुण है वो औषधि में आ जाते हैं। तो दतूरा पत्तों का इसको जो है मैं देता हूँ इसको भावना, तो इसके लिए मैंने स्पेशली काला दतूरा लगा रखा है जो कि मेरे घर में ही पेड़ मैंने लगा रखा है। तो काले दतूरे की पत्तों की भावना अगर आप इसको देंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। काला दतूरा जो है वो मेरे जहाँ पे लगा हुआ है, और बाकी अगर काला दतूरा ना मिले तो आप सिंपल दतूरा जो कि आम ही मिल जाता है उसके पत्तों का रस निकाल के उसकी भावना दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा कार्य करता है ये सेक्स पावर में, और मैं इसको बहुत समय से यूज कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। तो आप भी इसको बनाइए और इसका इस्तेमाल करिए, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाइयों को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार।